एक्सक्यूज मी, ये मेरी तरफ से आप लोगों को छोटा सा तोहफा। भैया जी फाइनली आ गए हैं। एक्चुअली मैं मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ये मेरी बर्थडे गिफ्ट, ठीक है? केदारनाथ जा रहे पैदल, ये मेरी तरफ से छोटा सा, ठीक है? हमारे डुअर्स जयगांव, दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलगुड़ी, हर हर महादेव बाबा जी, आराम से जाएगा, ठीक है? आपका यात्रा शुभ हो। और दो जनना प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल राइड। हेलो, मैंने बेटा को बोला था। बाबा जी नमस्कार, हर हर महादेव। ट्रैफिक लग चुका है, ऑफ रोडिंग शुरू हो चुका है थोड़ा सा। ओके, हर हर महादेव। ओके, एक चीज मुझे अच्छा लगा, बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया। अगर ये वीडियो पे नॉर्थ ईस्ट वालों का 5K कमेंट आ जाए ना, रात तो रात ये ड्रीम राइड खत्म होने के बाद हम उधर ही राइड मारेंगे। स्नोकलिंग पे ढूंढ रहा हूँ रॉक लामा। अभी सुबह के 10 AM हो रखे हैं एंड यू नो पिछले वाले वीडियो में देखा हुआ मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए ऋषिकेश से मैं तिलवाड़ा तक पहुंच गया था। फिर कुछ प्रॉब्लम से मैं नीचे आ गया था बिकॉज बाबा जी नहीं चाहते थे कि मैं अकेला जाऊँ बाबा जी के दर्शन के लिए। तो बाबा जी ने हमें फरिश्ता भेजा है, हमारे भैया वन एंड ऑनली फ्रॉम करसन। खूबसूरत खूबसूरत गाइस, क्या कहते हो यार? भैया जी फाइनली आ गए हैं। एक्चुअली मैं मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसी दौरान ना भैया को इमरजेंसी में आना पड़ा। बट मैं बता दूं, वो प्रॉब्लम से नहीं है, मुझे जहां तक लगता है बाबा जी ने बुलाया है खुद हमारे भैया को। आई थिंक बाबा जी ने ना गाइस मतलब दो लामा ब्रोस को बुलाया है दर्शन करने के लिए उनका, एंड उनको भी अच्छा लगेगा शायद। एंड या गाइस, आज से न्यू जर्नी स्टार्ट, न्यू फ्रेश, एकदम मेंटली आई एम टोटली गुड बिकॉज हमारे भैया हमारे साथ है। डरने की क्या बात है, अभी तो मतलब कोई टेंशन नहीं है ना भाई? नहीं, एकदम फ्री है, फ्री। चलो तो फिर रॉक करेंगे फिर जिस तरीके से हमने मुस्तांग में की थी। हाँ जरूर। और हाँ गाइस, कोई किसी को हेट ना करे ना, सब जन अपना अपना जगह पे सब कुछ अच्छा कर रहे, जो हुआ उस चीज को भूल जाओ। अब मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ से कुछ टॉपिक को निकालू, छेड़छाड़ करूँ, अभी मुझे करना भी नहीं क्योंकि मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो एकदम दिल खोल के, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना रॉकी। कुछ मुचलो, चल उठ जा रॉकी, आज थोड़ा बाबा जी के दर्शन करके आ जाते हैं। और आई एम सो सॉरी गाइस, कल ब्लॉग नहीं आ पाया, हम लोग ना पूरा प्रॉपर रेस्ट कर रहे थे बिकॉज अभी बहुत ही लंबा बैक टू बैक ट्रेवल करना है। अभी हमने मैगी और चाय वगैरह खा लिया हूँ। और भैया की जुल्फे देखा ना, ओहो जुल्फे भाई साहब, रात का मजा आया ना देसी चाचा? ये भैया के जुल्फे देख के ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, क्या करूँ क्या नहीं, मतलब हमारे जितने भी सारे रॉकलाम फैमिली है, चलिए जन्नत की सैर करा के और बाबा जी के दर्शन करके आते हैं साथ में, ठीक है? आपको घर बैठे बैठे हम जन्नत का सैर कराएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, ओनली लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अभी अपने रॉकी को गोलिस्टर करेंगे, बाहर निकालेंगे और जब तक हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे ना गाइस, तब तक वीडियो पे ना हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगते रहने चाहिए, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दो भाई ना सोच रहे टैटू करा रहे ना, भैया शिव जी का कराएंगे ना, और मैं कराऊंगा बजरंग बोली का, ऐसा ही कुछ। आप लोग कमेंट करके बताना क्या टैटू करना सही है या नहीं, बिकॉज मैं बचपन से टैटू नहीं करना चाहता, बट आज के टाइम पे मुझे जहां तक लगता है बजरंग बोली का एक टैटू तो होना चाहिए अपने हाथों पे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंग बोली। चलो भाई अच्छे से राइड करेंगे। और जो मैं सुपर बाइक का बात कर रहा था गाइस, 1 मिलियन पर न्यू सुपर बाइक आने वाला है ना गाइस, तो उसी का काम चालू है। आपका भाई एकदम दिल से मेहनत कर रहा है सुपर बाइक के लिए। अपने रॉक लामा फैमिली जल्दी से 1 मिलियन करा देना, सुपर बाइक आने वाला है, ठीक है? जय महाकाल। हो भाई ऑफिशियली राइड शुरू होने ही वाला है गाइस, और मैंने अपना बैग यहाँ पे लगा दिया हूँ। और ये रहा बाइक, देख सकते हैं हमारे देसी भैया, यही बाइक में हमारे देसी भैया जाएंगे, जो कि हम सिक्किम में भी यही बाइक में गया था। क्या कॉम्बिनेशन मिला है, भोले बाबा ने भी ये जुड़ाया है, तो मैं चाहता हूँ घर जाके इसका डिलीवरी होना ही चाहिए। हाँ एकदम, चलो राइड सेफ। ओके जय श्री राम। काला चश्मा चढ़ दिए पढ़ दिए बन दिए, भोलेनाथ सबके साथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस चलो निकलते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। यहाँ से केदारनाथ बाबा के दर्शन 223 किलोमीटर, आज आराम से हम लोग कम्प्लीट कर पाएंगे। मैं इतना बुद्धू हूँ ना गाइस, एक दिन आगे मैं केदारनाथ बाबा के वहाँ तिलवाड़ा के वहाँ पहुंच गया था ना, सारा का सारा पिट्ठू बैग में भीड़ लिया था, ये मेरे सारा बैग ना, अभी पता चला मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से बांध दिया जाए बोल के मैंने बांध दिया। तो यही है ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ है, पर फिर भी हम बाबा जी के आगे तरफ बढ़ रहे हैं। बोले गाइस, मेरे आंखों के सामने ना बंजे ना बंगे जंपिंग दिख रहा है, एक बंजे जंपिंग का प्राइस है 5,500 रुपीज, और इंडिया का ना सबसे हाईएस्ट बंगे जंपिंग है 160 फीट होगा शायद। सच बताओ तो कल ना मैं रेडी हो गया था बंजे जंपिंग करने के लिए,
बट फिर जब मैंने वीडियो वगैरह देखा ना, मेरा हालत खराब हो गया था। वो देखो भाई, बंजे जंपिंग कितना ऊपर है, 160 feet, इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग क्या बोलता है इसको। मेरे को तो काफी ज्यादा डर लगता है यार। क्या आप लोग कभी ट्राई किए हैं बंजे ना बुंजी, क्या बोलते हैं ये जंपिंग? और फ्यूचर में क्या आप करना चाहते हो ये बंजी जंपिंग? मुझे तो करना है भाई, बिकॉज ये करने से ना लाइक अपना एक अंदर का एक डर को ना मेरे को मिटाना है। तो ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, होय होय होय, ये सरदार जी ना वहाँ पे जा रहे हैं, हिंदकुंडा क्या है। और मैंने यहाँ पे देखा ज्यादातर ना सब स्प्लेंडर पे जा रहे थे यार। सैल्यूट है यार सभी को, सब स्प्लेंडर पे जा रहे थे बिकॉज स्प्लेंडर सबका बाप है। 12 बज चुके हैं, रात के 11 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे। आई होप कि हम सोनप्रयाग पहुंच गए ना, हम जल्दी जल्दी ट्रैकिंग करना शुरू कर दे, बिकॉज जितना जल्दी जाएंगे ना उतना जल्दी हम लोग बाबा का दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो फिर सुबह हो जाएगा, फिर भीड़ लग जाएगा, फिर काफ़ी तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को वापस ही आके फिर लद्दाख भी तो निकलना है ना। इससे आगे तो मैं अकेला हो गया था तो राइड करने का हिम्मत नहीं आ रहा था। अब तो देसी चचा आ चुका है, अब तो बैक टू बैक राइड होगा गाइस। आप लोगों को फुल मजे आने वाला है और फुल हम लोग ट्राई करेंगे फुल मजे दिलाने के लिए। देखो कॉर्नरिंग चेक करो, अरे गौ माता, चलो सही है, खूबसूरत। अभी फुल मजे कर रहे हैं गाइस, हमारे यहाँ पे टोस्ट वगैरह चाय वगैरह आ चुके हैं। ये रहे हमारे विकास भाई, देसी भैया, मतलब सबसे ज्यादा खुश ना विकास भाई है अभी देसी भैया से मिलने के बाद ना, सब पुराने दिन याद आ रखे है ना भाई। मेरा मेन दोस्त है भाई, वो एंकर जी है ना, पुराने दोस्त है, क्यों हमारी पुरानी दोस्ती है यार। और भाई क्या सीन था बैंकर, तुम तिलवाड़े वेलवाड़े गए थे केदारनाथ जा रहे हो? हाँ। तो जाना फिर बैंकर रुक क्या रहा है। मैंने वही पूछा, मैंने अपने केदारनाथ जा रहे हैं, बोला सुबह जा रहे हैं, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, जा फिर। अच्छा सॉरी भैया, उसने मुझे कहा जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? कह रहा केदारनाथ जा रहा हूँ, तो जाना फिर बैंकर पूछ के मतलब रास्ता पूछना भी भाई। कह रहा है कि उसने आगे जाके भी चैलेंज किया कि आजा आजा पीछे से, तो भाई गलत बात है ये, देखो भाई सॉरी भी बोल रहा है, अगले बंदे ने सॉरी बोल दिया, भैया कोई गलती लगी होगी तुम्हें तो माफ करना। बट यार भाई बाहर से आ रखे हैं, मतलब और भी राइडर आते हैं, तो ऐसा मत करो यार भाई, तुम तो हमारे यहाँ से ही हो और तुम्हें भी तो कभी इधर की साइड आना होगा, तो तुम्हें कोई बंदा ऐसा रिस्पॉन्स दे तो गलत बात है वो यार। और हाँ विकास भाई, मैं भूटान से तो नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जयगांव से, भूटान बॉर्डर मेरा पड़ता है। और घर से निकले हैं रिप्रेजेंट हम अपने जयगांव को करते हैं और साथ में पड़ोसी देश अपने भूटान को भी। तो सारे भूटान वासियों जयगांव को क्या कहना भाई? विकास की तरफ से आपको नमस्कार, और आओ कभी यार ऋषिकेश आओ, उत्तराखंड आओ, तो मिलते हुए जरूर जाना ठीक है। और रोकलावा भाई के थ्रू जो भी आएंगे तो अपने ही भाई हुए, वो भी और रोकलावा फैमिली अपनी फैमिली है, ये बारे में मिलना है। और हाँ ऋषिकेश में ना इतने सारे एडवेंचरस करने के मतलब आपके लिए एक्टिविटीज है ना, आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। सुना विकास भाई, सुना ना एक मीम मिला था, देखो इधर देखो, कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि बाहुबली आगे चलकर आदि पुरुष में काम करेगा यार। भाई ये हंसी आया ना, रात भर खाली यही देख रहा था मैं। आई होप गाइस आप लोगों को भी ये मीम्स अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग के पास ढेर सारा मीम्स है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। चलो विकास भाई मिलते हैं ठीक है, बाबा जी का दर्शन करके आते हैं। गाइस यही तो है रियल जन्नत का रास्ता, ये लैंडस्केप वगैरह देखो ना कितना खूबसूरत, और व्यू देखो, व्यू तो चुम्बेश्वरी। पर यहाँ पे डर क्या रहता पता है? मैंने काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ऊपर से ना पूरे पत्थर वत्थर गिरे हुए है, और एक जगह तो एक्सीडेंट भी हो रखा था, आई थिंक वो लैंडस्लाइड होने की वजह से हुआ है। प्लीज केदारनाथ बाबा जी जितने भी सारे आपके दर्शन करने आ रहे हैं सबको रक्षा करना। वो देखो ना भाई कितना भयानक दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही तो है लद्दाख वाला रास्ता ना। मैंने अपना रॉकी का कुछ दिन पहले ब्रेकफास्ट चेंज किया था, काफी साउंड आ रहा है यार। अंकल जी फुल कर दो, पर लीटर 96, इतना सस्ता है? हमारे उधर तो 106 रुपये है वेस्ट बंगाल पे। अच्छा ये देखो गाइस, मेरे हाथ से छाले निकलने शुरू हो चुके हैं, काला भी हो चुका है, ये देखो कितना डर्टी दिख रहा है ना, ये ग्लव्स नहीं लगा ना इसलिए हुआ, ग्लव्स लगा ही लेता हूँ यार। मेरा नाम सिद्ध मुस्से वाला, ए ऑल सेट, चलिए चलते। ये है ना रास्ता, तो भाई पूरा मोडू जीबी वाला फील आ रहा है। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी देवप्रयाग में। ये देखो ये दोनों पानी मिलके ना यहाँ से गंगा उत्पन्न होता है, मेन गंगा का सोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। जाम लग गया देख रहे हो, सच बता रहा हूँ गाइस यहाँ का गर्मी ना सिलगुड़ी से भी ज्यादा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। अब अपना रॉकी ना पूरा हीट देने लगा है, मेरा ये लेग पीस बन चुका है मेरा पैर। हाँ बताओ भाई, हाँ भाई देखता हूँ। अरे शुक्रिया यार, चलो गाइस यहाँ पे भी हमारे चाहने वाले मिल गए।
बाइक के साथ फोटो लेना है? हाँ ले लो, आ जाओ मैं क्लिक करा देता हूँ, आ जाओ एकदम शाहरुख खान वाला पोज दो, आराम से आराम से। रेडी, इधर देखो। हाँ बाप रे बाप, तुम तो जॉन अब्राहम लग रहे हो यार। लो भाई कैसे पिचिक पचक पुचुक पिचिक पिचिक, लो भाई। हाँ भाई फोटो खिंचा रहे हैं, चलो शुक्रिया भाई, कीप सपोर्टिंग है। ये देखो गाइस पीछे हमारे व्यू देखो कितना खूबसूरत है। आई डोंट नो ये लेक का नाम क्या, पता हो तो मेरे को बता देना। मां मुझे कुछ नहीं दिखा दे रहा, मां जाए बोलो बाबा। मां मेरे से बाइक चला ही नहीं जा रहा है, ये देखो धूप कितना लग रहा है, इतना गर्मी है। ओ धूप थोड़ा ब्राइटनेस कम करो ना यार, जब भी मैं आंखों के सामने आते हैं यार। ओके ट्रैफिक लग चुका है, ऑफ रोडिंग शुरू हो चुका है थोड़ा सा। वैसे बहुत दिनों बाद ऑफ रोडिंग करने को मिल रहा है, मेरा भूख से ना भाई पेट के चूहे मर चुके हैं, आंख नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से यार, कुछ खाना पड़ेगा। अय्या मां। और गाइस हम लोग एक और प्लान कर रहे हैं, ये अपना ड्रीम राइड जो है ना केदारनाथ लद्दाख मनाली वगैरह खत्म करने के बाद ना जब हम घर आएंगे ना दो दिन घर पे रहेंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मारेंगे। क्या कहते हैं असम के लोग आ जाए क्या, आसाम नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर ही करेंगे हम लोग, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये वीडियो पे नॉर्थ ईस्ट वालों का 5K कमेंट आ जाए ना रात तो रात, ये ड्रीम राइड खत्म होने के बाद हम उधर ही राइड मारेंगे। सोनी के ना कितने गाइस, वो रास्ता चेक करो, पता नहीं हमने कितने पहाड़ क्रॉस कर दिए और पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके बाबा जी के दर्शन करने पड़ेंगे। मतलब देख रहे हो बाबा जी के दर्शन के लिए इतना आसान नहीं है। जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस, क्या अच्छा दिख रहा है यार। ऐसे पहाड़ों के बीच में पानी है वहाँ पे और बीच में छोटा सा गांव है और वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह। हाँ एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन, ये सारे के सारे यादें मैं अपने वीडियो पे कैप्चर कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं बुढ़ा होके अपने फैमिली के साथ वीडियो देख पाऊँ। गाइस ओम भूम गाइस, वो देखो क्या हो रखा है वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पर ना आई थिंक जेसीबी है तो वो ना रास्ता बना रहा है, देख रहे हो वो जेसीबी वाला अपना इतना रिस्क लेके ना वहाँ पे खुदाई कर रहा है, रास्ता बना रहा है। रेस्पेक्ट, लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा पहाड़ों पे रास्ता ऐसे बनता है। बहुत हालत खराब हो गया गाइस, गर्मी ना दिल्ली से भी खतरनाक ऐसा फील हो रखा है। जस्ट हमने यहाँ पे खाना खाया, खाना खत्म हो चुका है और यहाँ से व्यू चेक करें, काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है। ये नदी का नाम क्या है छोटे? अलकनंदा है। ओ वाओ। एंड या गाइस हमारे डुअर्स जयगांव दार्जिलिंग सिक्किम सिलगुड़ी हर जगह से जिस तरीके का प्यार मिल रहा है ना ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम दोनों ना अपनी जगह को और भी ज्यादा रिप्रेजेंट एंड और भी ज्यादा प्राउड फील कराएंगे। और दो जन ना प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल राइड, जो कि मैं सरप्राइज रखने वाला था पर मैं सरप्राइज को ना मैं छुपा नहीं पाता हूँ। और कमेंट में बताना जो इंटरनेशनल राइड होने वाला है वो कहाँ का होगा। और देसी भैया का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस तरीके का आप देसी भैया ना आज के टाइम पे मैं अकेला होके भी लाइक इमरजेंसी में भैया आया ना हमें बड़े भैया की तरह हेल्प करने के लिए, ये ना दिल से शुक्रगुजार। एंड रॉक लामा फैमिली जाके भैया को सब्सक्राइब करें बिकॉज ही डिजर्व दैट लव्स। और भैया ने मुझे क्या दिया देखो ना, कैसे हमारे लैंग्वेज में आइसलू कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड बेरीज। और ये खाने से क्या होता है? मतलब यूजुअली मैं लेता हूँ, लाइक गला के लिए सही रहता है। तब तो ठीक है क्योंकि मेरा भी टॉन्सिल होता रहता है ना, और वैसे भी मैं बार बार ठंडा पानी खा रहा हूँ। माँ देख रहे होगे गुस्सा हो रहा है, मैंने बेटा को बोला था गर्म पानी खा बेटा। माँ मैं बता दी यहाँ पे इतना ज्यादा गर्म है ना मन करता है कि पूरा आइस के फ्रिज के अंदर ही रह लूँ और फ्रिज ही खा लूँ ऐसा। अब इस बार भी आइस की जगह में पहुंचने वाले बंदे को कहते ना कि ना खाए बोलकर, और नॉर्थ सिक्किम में तो घपा घप खा लिया था गला, इसलिए मेरा घपा घप हो गया। चले केदारनाथ बाबा का सफर शुरू करते हैं, 3 घंटा का रास्ता है और ये भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं, देखते रहना भाई लोग वीडियो ठीक है, एकदम सपोर्ट चाहिए फुल पावर। ओ भाई इधर देखो कैंसी तीन रैक 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 कैंसी तीन रैक 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 किसका ढैक ढैक करोगे तुम? सारे भाई लोग ना गाइस मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ ना आगे पीछे से बोलता है भाई साउंड सुनाना साउंड सुनाना, अभी इसमें साउंड नहीं है एग्जॉस्ट नहीं है फिर चलान कट जाएगा ना। ये मेरा 300 cc का है ना, अब मैं सुपर बाइक लेने वाला हूँ 1 million पे, तब एग्जॉस्ट लगाएगा फुल सिस्टम ठीक है, तब तक रट रट करते हुए रोड पर। गाइस ये जितने भी सारे नजारे देख रहे ना सारे का सारे हमारे देव भूमि है गाइस, और यहाँ से उधर ना देव प्रयाग था, अब यहाँ से आगे है तिलवाड़ा और यहाँ पे काम चल रहा है आई थिंक यही है रास्ता वस्ता बन रहा है। कोई माँ का गाड़ी चल रहा है ना, ये हिल रहा है ब्रिज, कभी कभी तो लगता है कि भूचाल आ रहा है।
अरे बाबा के दर्शन करने जा रहे तो कुछ अच्छे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने 10 पीस कैडबरी ले लिया हूँ, बिकॉज मेरे को ना पापा बोले थे तो बाबा के दर्शन वगैरह जा रहे हैं ना, तो रास्ते पे बच्चे वगैरह मिलते हैं तो उसको ना चॉकलेट वगैरह दे देना, कुछ मीठा हो जाए ना भैया। चले गाइस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और अभी टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 6:30 हो रखा है, रात को 9-10 बजे के अंदर पहुंच जाएंगे यार। एक्सक्यूज मी, ये मेरी तरफ से आप लोगों को छोटा सा तोहफा। हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो इसी के लिए ओके। हाँ जी, मेरा चैनल देखेगा थोड़ा। एक्चुअली ये मैंने बच्चों के लिए लिया था, बच्चों मिल ही नहीं रहा। थैंक यू। ओके, रॉक लामा। आप लोग कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल जयगांव। ये मेरा सेकंड चैनल है जिसमें मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, और ये मेरा मेन चैनल है। ओके थैंक यू। ओके ओके टेक केयर। चलो गाइस, पहला चॉकलेट तो खूबसूरत लड़कियों को दे दिया। अभी शाम हो गया ना, तो इसीलिए रोड पर बच्चे मिलते नहीं है, लद्दाख में मिलेगा। बाबा जी हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? नमस्कार, हर हर महादेव। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। केदारनाथ जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं पैदल? अरे तो खाना पीना रहना कैसे चल रहा है? व्रत में हूँ मैं। व्रत में? एक्चुअली मुझे ना महादेव ने भेजा है आपको हेल्प करने के लिए, ये मेरी तरफ से छोटा सा। ठीक है चलिए, जब व्रत आपका टूट जाएगा ना तब अच्छे से खाना खाएगा। ठीक है छोटे इधर आओ, ये लो। ओके हर हर महादेव। बाबा जी आराम से जाएगा, ठीक है आपका यात्रा शुभ हो। ओके हर हर महादेव ओम नमः। ओके बाबा जी ओके। वैसे हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना गाइस, वैसे वैसे ना दृश्य चेंज होते जा रहा है। लाइक ये मैं नंगी नंगी आंखों से जो ये खूबसूरत नजारा दिख रहा हूँ ना, जिंदगी में कभी आपको बाबा जी बुलाया ना तो जरूर विजिट करना केदारनाथ मंदिर, ठीक है। एंड ये केदारनाथ बाबा का दर्शन करने का ना मेरा छोटे से सपना था, फाइनली आज जाकर ड्रीम्स पूरा होते हुए दिख रहा है। एंड स्पेशली थैंक्स टू माई रॉक लामा फैमिली कि आप लोग ने यहाँ तक पहुँचाया। बहन छोटा सा एक बार आओ ना, आओ गाड़ी देख के आना। ये लो ये मेरी बर्थडे गिफ्ट, ठीक है चॉकलेट वो दीदी को भी दे देना। ओके थैंक यू बहन, सो हार्ड वर्किंग यार। बहन इधर आओ, ये रहा। अरे थैंक गॉड 3 चॉकलेट है, ये लो। ओके बाय बाय, चलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो बहन लोग खुश हो गए, चॉकलेट खत्म हो गया यार। आगे दुकान में देखते हैं। अरे बाबा जी, बाबा जी नमस्कार, हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? रुके रुके रुके, बोले ना आपने भेजा हमें आपको हेल्प करने के लिए। ठीक लीजिए। ओके हर हर महादेव। ओके थैंक यू बाबा जी। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया। जब बड़े लोग का आशीर्वाद आपको मिलता है ना तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सा ब्लेस्ड वाला फीलिंग आ जाता है, यू नो। गाइस पहाड़ों के बहुत ही अंदर आ चुके हैं और देखो रास्ता काफ़ी छोटा हो चुका है, आई थिंक हमें अब ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। बट जो भी हो माँ का समय, देखो चुम्मेश्वर अभी हो, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी है, ऊपर से कभी भी वक्त लैंडस्लाइड वगैरह, पर बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं ना गाइस, दुआ में याद रखना बस। जिसका डर था वही हो गया, ट्रैफिक पूरा जाम हो गया। अब ये नॉर्मल जाम नहीं है, 5-6 घंटा तो ऐसे ही फंस गया, पर हम नहीं फंसेंगे, अपने पास रॉकी है तो छोटे छोटे गलियों से गुजर जाएंगे। अरे बहुत गंदा जाम लगा है भाई, केदारनाथ यहाँ से 54 किलोमीटर है। आई कांट बिलीव यार, केदारनाथ बाबा के सामने, बहुत सामने ही आ चुके हैं हम लोग गाइस। कौन सा रास्ता है? यही रास्ता है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ जी केदारनाथ, हर हर महादेव। सो गाइस अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं, हम लोग रुके हैं अभी गुप्त काशी में। हम लोग यहाँ पे डिसाइड किए कि आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज आगे का रास्ता जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम स्लैशी रोड, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। 7 बजे के हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, उसके बाद फ्रेश होके हम लोग गए खाना खाने के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाल वाल भी चटक के काट दिया गाइस, क्योंकि कल तो जा रहे बाबा जी के दर्शन के लिए, तो हैंडसम मुंडा लोंडा तो होना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अपना देसी भैया वही है, फाइल वगैरह ट्रांसफर कर रहे, एडिट वगैरह अभी करेंगे, ये वीडियो को पब्लिश करेंगे, उसके बाद फाइनली ड्रीम्स कम्स ट्रू गाइस, कल हम जा रहे बाबा के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए, ठीक है।
अच्छा लग रहा है दिल से कि भाई खुश हो चुका है, जो टेंशन था जो स्ट्रेसनेस था वो सारे के सारे भूल चुका है एंड अभी बस फिलहाल ओनली बाबा, ओनली बाबा भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव। कहीं से भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का टारगेट रखते हैं 30K ओनली, ठीक है? तो या कांजी दिन में रैक 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 रैक।